नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने और आपके चैनल ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स में। तो आज है हमारे घर का फिर एक स्पेशल डे। तो वो स्पेशल डे है हमारी बिटिया रानी का बर्थडे। आज मेरी शुभी का बर्थडे है, तो आप सब खूब आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम करो। तो आप सब अपना खूब आशीर्वाद और प्यार दीजिए शुभी को, और आप सबके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। तो आज सुबह की शुरुआत हो गई है, पहले तो घर के तो हम लोग देखिए नहा धो के पूजा वूजा कर चुकी है। सुबह का सबसे पहला काम ये था, और आज पता है बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई है अचानक, कुछ रीज़न ऐसा आ गया उनके यहाँ, वरना आज इन लोग के टेस्ट थे। तो था कि शुभी स्कूल में ही अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, और घर पे एज यूजुअल जैसे हम लोग फैमिली मेम्बर्स मिलके कर लेते वैसे हो जाएगा। पर अचानक से कल छुट्टी अनाउंस हो गई तो ये काफ़ी दुखी थी। तो फिर इनकी फ्रेंड्स को आज घर पर बुलाया गया है, तो इनकी सारी दोस्तें आज घर पर आएंगी, मतलब दो तीन जो इनकी खास फ्रेंड्स हैं वो घर पर आएंगी, और शाम को इनकी बढ़िया सी होगी बर्थडे पार्टी। तो फिलहाल आज सुबह सुबह सब लोग चाय नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, और इनके बर्थडे की खुशी में देखिए सुबह सुबह मम्मी जी ने बना दिया है गुलाब जामुन। तो अब मैंने कहा कि गुलगुले अब क्या ही बनाऊँ, गुलाब जामुन तो बन ही गए हैं सुबह सुबह, तो मम्मी बना दी है गुलाब जामुन। और हम लोग आज इसलिए रहे हैं क्योंकि मेरे पतिदेव पूजा करके जा रहे थे, तो इसलिए वो किनारे से गए हैं, टेबल के ऊपर से चढ़ के गए कि मैं कैमरा उनकी तरफ ना करूं ऐसे। तो हाँ, तो ये देखिए शुभी जी गुलाब जामुन का आनंद लेते हुए। तो आज का शुरू है, मतलब मेन्यू आज का है कि आज तो इनकी दोस्तों के से बनेगा छोले भटूरे, उन लोग को दिया जाएगा। बाकी उन लोग का फेवरेट मैगी है, वो है गुलाब जामुन, है ये केक आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, इतना बच्चों के लिए एनफ है। और ऐसे मैं बना रही हूँ, आ रही हूँ एक सेकेंड, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और रोटी बनेगी और चावल बनेगा इस समय, क्योंकि पूरी दोनों टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है गर्मी में सबका। इनके पापा को भी नहीं ज़्यादा मतलब सूट करता है, पूरी वगैरह खा लेते हैं ना, तो फिर पेट नहीं सबका सही होता है। तो इसलिए जो है मम्मी हुआ कि एक टाइम रोटी बन जाती है, और शाम को तो पूरी और या भटूरे बनने ही हैं, तो वो सब लोग खा लेंगे। और ये देखिए मैं पतिदेव कर रहे हैं पूजा, तो मैं नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वो मुझे आँखें दिखा रहे हैं। और इन लोग की हो गई छुट्टी, तो देखिए बस मस्ती मस्ती शुरू है। और इधर शुभी माँ देखिए एक रखी होगी एक कटोरी में, देखिए वही बगल में, अभी और तोड़ लेनी है। तो अभी तो ये देखिए सुबह रूम वगैरह क्लीन कर दिया है, बेड वेड सब सही हो गया है। शुभी की टेबल काफ़ी मैसी मैसी है, तो वो शुभी का अभी ये सब बर्थडे डेकोरेशन का सामान वगैरह है वो सब क्लीन करना है। और शुभी ने खुद प्रिपेयर किया है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए अपनी चारों दोस्तों के लिए रिटर्न गिफ्ट उन्होंने खुद तैयार किया है। सामान मैंने ला के दे दिया था, उन्हें जो जो चाहिए था अपने दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए, तो वो हम लोग कल जाके ले आए थे, तो खुद वो पूरा बनाया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कभी, क्योंकि वो मैं रात में शाम में काम में बिजी थी और उसने बना लिया था, तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई। तो बस ऐसा है घर का हाल। और अब मैं चल रही हूँ आगे का काम देखने, पहले मैं सब्ज़ी बना लूँगी, तो सब्ज़ी सिंपल सी बनेगी ऐसे जैसे बनती है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बिना प्याज लहसुन के बनाना है। शुभी ने कहा नहीं मेरा बर्थडे, वैसे भी हमारे यहाँ जब से शुभी वाले ने छोड़ दिया है तब से प्याज लहसुन मतलब ऊपर से जिसको खाना है वो लोग खा सकते हैं, पर हमारे यहाँ खाने में नहीं यूज़ हो रहा है प्याज लहसुन, और बहुत मुश्किल में हाँ नहीं आ तो रहा है बेटा, लेकिन यूज़ नहीं हो रहा है ऐसे जैसे ऊपर से खाना होता है ना, मम्मी जी खा लेती हैं, ये खा लेते हैं, पापा को खाना होता है तो पापा ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा टास्क यही हो जाता है कि बिना प्याज लहसुन के, अब एक होता ना कि ग्रेवी गाढ़ी कैसे करो, और वैसे तो बहुत सारे वो हैं उपाय हैं किए जा सकते हैं। तो बस बहुत हो गई बातें, और चलिए हम अब करते हैं काम, क्योंकि बहुत देर हो गई, 10:30 हो गया है। तो मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे, मैंने कहा छोले उबाल के रख दूँ, फ्राई बाद में कर लूँगी, छौंक बाद में दूँगी। और इधर आलू की सब्ज़ी तो बता ही दिया, तो मैं चल रही हूँ करने। तो चलिए फटाफट से काम ख़त्म करूँ क्योंकि फिर डेकोरेशन वगैरह भी करना है, और बच्चों को 4 बजे बुलाया है कि बच्चे आराम से 7:30 तक अपने घर वापस चले जाए, बहुत देर नहीं हो, है ना, क्योंकि सबके मम्मी पापा को टेंशन हो जाती है जब लेट हो जाता, तो सब कुछ टाइम से कर लो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस मुझे भी अपना अभी तो मैं काम वाम ख़त्म कर लूँ, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में, और देखिएगा आज पूरे दिन की मस्ती और शुभी की फ्रेंड्स का धमाल। तो यहाँ पे मेरे छोले बॉयल हो गए थे, तो उसको मैंने निकाल के रख लिया था, तो छोले हल्दी और नमक के साथ मैं हमेशा उबाल लेती हूँ, और उसके बाद अब उसका मैं तड़का लगाऊँगी उसमें। तो ग्रेवी के लिए बस टमाटर, हरी मिर्च और अदरक ले ली है मैंने, करीब 1.5 इंच अदरक ले लिया था,
और उसी से मुझे ग्रेवी तैयार करनी है, मसाला भुनना है। और तड़के में मैं कुछ खड़े मसाले यूज़ करूँगी, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता। इसको सबको कूट के हल्का सा दरदरा सा मैंने तड़के में डाल दिया तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और हाँ, बाद में मैंने खड़ी काली मिर्च भी डाली थी, वो भी जब मुँह में आती है बहुत बढ़िया लगता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, और उसका तीखापन भी अलग हो जाता है। तो ये जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, उसको खूब अच्छे से भून लिया। तो देखिए हमारे पेस्ट ने वो तेल छोड़ दिया है। तो उसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ लाल मिर्च, मैंने थोड़ी सी डाली है। और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा हल्दी पाउडर डालूँगी, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया गरम मसाला। और उसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच डाल दिए थे छोले मसाले, और छोले मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो और उसके बाद देखिए मैंने इसको जो है इसमें छोले मिक्स कर दिए, पर पता है मेरा पैन जो है वो छोटा, मेरी कढ़ाई जो है वो छोटी हो गई, छोले बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो वापस मुझे कुकर में डाल के 1 सीटी लगा दी मैंने। तो देखिए ये हमारे बढ़िया से छोले हो गए हैं तैयार। और बस मैंने उसके बाद पूड़ियाँ निकाल दी। तो ये सुबह का टाइम, तो दोपहर हो गई थी बनाते बनाते ना, तो फिर ये हुआ कि छोले मैंने, जब छोले ठंडे हो गए तो उसको फ्रिज में डाल दिया था। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं, और ये लग गई हमारे लाला की थाली। तो लाला का भोजन जा रहा है, भानने जा रही है, लाला को भोग लगाएगी। इधर पकड़ी गर्म होता है। और गर्मी की तो जो हालत है ना, आप पूछो ही मत। हमेशा शुभी के बर्थडे में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि गर्मी, पता नहीं उसके बर्थडे के दिन कुछ ज़्यादा ही रहती है या उसी दिन से बढ़ती है। तो हमेशा ही मतलब गर्मी की वजह से सब परेशान रहते हैं। तो फिलहाल इधर मैंने बाकी का काम कर लिया, किचन फिर से क्लीन कर लिया। और उसके बाद जो है मैं लगा रही हूँ भटूरे का आटा। तो उसके लिए हल्का सा नमक डाला, बेकिंग पाउडर डाला, और मैंने करीब 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाले, और उसको खूब अच्छे से आपस में मिक्स कर दूँगी, खूब अच्छे से मोयन दे दूँगी कि सब कुछ एक बढ़िया से बराबर से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मेरे पास दही नहीं थी, और मैं इनसे फिर कहती तो ये गुस्सा करने लगते। तो मेरे पास 1 पैकेट मट्ठा बचा हुआ था, छाछ बची हुई थी, तो मैंने कहा मैं उसी से इसको जो है इसका डो बना लूँगी, तैयार कर लूँगी। और आप मट्ठे से भी बना सकते हैं, और छाछ थोड़ा सा खट्टा भी था तो इसलिए ये हुआ कि बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। तो फिलहाल मैं देखिए इसको खूब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, खूब रगड़ वगड़ के इसकी रगड़ाई करके, और उसके बाद मैं लगाऊंगी इसका डो, खूब सॉफ्ट सा इसको हम डो रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरी बिटिया रानी ने कितना सुंदर सा डेकोरेशन किया, वहाँ पे एक बलून लग रहा निकल गया, तो देखिए। तो मैं आज पूरा दिन बिजी रही किचन में, और शुभी ने अकेले ही सारा डेकोरेशन किया है, वानिया ने इसकी थोड़ी हेल्प करी है, पर मतलब मेनली शुभी ने किया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बेटी का ये छोटा सा प्रयास कैसा रहा, और कैसा लग रहा आप लोग को ये डेकोरेशन। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग के यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि पूजा के दिना बकरी हरा ले, तो वही हाल हुआ है। आज हमारा वाईफाई नहीं काम कर रहा है, बार बार उसमें रेड सिग्नल आ रहा है, पता नहीं क्यों, तो बहुत दिक्कत हो रही है। मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही, आज सुबह से ही पता नहीं क्या हो गया वाईफाई को, और नेट नहीं काम कर रहा है। तो फिलहाल अभी बच्चे गए हुए हैं केक ले आने, और शुभी की फ्रेंड भी एक, उसके पापा को लेट हो रहा था तो ये हुआ कि वो टाइम से जाके, तो शुभी ने कहा कि मैं उसको ले कर आती हूँ। तो शुभी गई है अपने पापा के साथ अपनी बेस्टी को ले आने। तो बस बच्चों का वेट कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ आप लोगों से बातचीत, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो बस बच्चे आ जाए, उसके बाद केक कटिंग होगी, खाना पीना होगा, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में। तो यहाँ पे शुभी और शुभी के पापा जाके उसकी फ्रेंड को लेके आए, और उसके बाद वो सब मस्ती शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई, और उसके बाद तो फिर पूछी मत बच्चों का समय कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। ये देखिए इकरा और शुभी ने क्या डांस किया, हाँ हाँ क्या मस्ती हो रही है। तो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और फिर फाइनली केक कटिंग का टाइम आया, तो मम्मी पापा को मैंने बुलाया, और मम्मी को हमारे यहाँ ना सास को उस दिन कोच दिया जाता है, क्योंकि वो बड़ी है ना, तो उनसे हम कहेंगे कि आप मतलब केक कटवाइए। तो मम्मी कहने लगी थोड़ा सा चावल दिया, पैसे दिए, और फिर मम्मी का पाउच ले लिया। और Happy birthday to you. May God bless you. वो स्पीकर लाना है।
जाते हैं बजाओ स्पीकर तो अंदर है अंदर कमरे में बंद इसका बंद कर दिया दादी नहीं खाती शुभी का फेवरेट बस चलो हो गया तुम्हें नहीं बोला था कुछ आठ दे दिए हाँ और नहीं बोला मिला नहीं मुझे समझ में नहीं आता आ जाओ आपका बंदर तुम पता है सुनो सुनो तुम लोग आ गई ना अंशिका के लिए सबसे आंटी बदगल यू अंकल वान्या बाबा जी ओ इधर ओ माय गॉड ए तो ऐसा रहा हमारी शुभी का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन लेकिन उसकी खुशी बहुत बड़ी थी वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी तो आई होप आप लोग को ये व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय